तो वाला भाई बीच में आ जाएगा। ओ भाई हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लो, मॉर्निंग हो गई है। और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और रेडी हो चुका हूँ। आज है फ्राइडे, शेवे बढ़ गई है, लग रहा है मुझे भी सेट वेट करानी पड़ेगी। देखता हूँ अगर आज टाइम मिला तो आज इवनिंग में करा लूँगा सेट, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और कल और परसों कीर्तन, कल सुंदरकांड का पाठ है, परसों कीर्तन है, तो वहाँ भी जाना है, तो थोड़ी सी वेट सेट रहेगी तो अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं जैसा टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुँचना है और दिन का कुछ नहीं पता, इवनिंग में बोलोगा दिन में आए मुझे नहीं पता, अभी बोलता हूँ फिर हो नहीं पाता, तो जैसा होगा देखेंगे वो। तो उसके अलावा और फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा नया, और अभी कहीं जाना आना भी नहीं है, तो देखते हैं क्या पता कोई प्लान कहीं का हो, कहीं कुछ काम से जाना हो, जैसा भी होगा वो तो देखेंगे बनेगा प्लान। और लाइक कमेंट शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और चलता हूँ यार, निकलते हैं और कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी लेके आऊँगा। मौसम वौसम ठीक हो गया, अब तो गर्मी हो गई है, तो बनाते हैं शेड्यूल और नया लाने की कोशिश करते हैं। भाई अभी निकला था ज़रा किसी काम से और आप लोगों से बातचीत करने हैं, दोनों काम से निकला हूँ और आज भी डायरेक्ट इवनिंग में निकल पाया हूँ, दिन में निकल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या शेड्यूल हो गया पता नहीं, काम वाम में थोड़ा सा ऐसे रहता, निकल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ बिल्कुल भी। ये लगा लो पूरे दिन बाइक खड़ी रहती है, इवनिंग में जाता हूँ तभी चलती है, बस बाइक नहीं चल पाती है। भाई क्या क्या बात है, तुम्हें चला ही नहीं रहे हो ना, मुझे वॉश करा रहे हो ना चला रहे हो, क्या चक्कर है? ऐसे ही है, अगर देखो पोस्ट हो जा रही है, डबल सी डबल सी राजस्थान का नंबर है, अलग ही लुक आ रही है, मतलब बंदा सोच के लिया डबल थ्री कुछ तो सोचा ही होगा, बिना सोचे तो नहीं लिया होगा भाई डबल थ्री तो बंदे वीआईपी नंबर लेते हैं, 0001 ऐसे कुछ लेते हैं भाई, तो एक फॉर्चुनर इधर एक उधर एक उधर, हाँ तीनों फॉर्चुनर एक साथ खड़ी हैं, क्या बात है, फॉर्चुनर की लाइन लग गई आज तो, क्या बात है। चलो भाई चलते हैं, गई हो गई है, आगे तो आगे चले जाना है। देखो भाई अंदर वाला भाई यहाँ खड़ा हो जाना सीधा है, पता नहीं भाई सब क्या करते हैं लोग, कहाँ चलते हैं, कौन से ख्यालों में रहते हैं, समझ नहीं आती लोगों की। और देखता हूँ यार थोड़ा लेट तो हो गया हूँ मैं, वैसे जिस काम से यार वहाँ पहुँच जाऊँ, ऊपर मत कर रहे हैं सोनेट वाले से, क्या हो गया भाई यार, सोनेट बेकार लगती है मेरे को, अब जो सोनेट आई उसकी लुक सकता है वो अच्छी लग रही है, इसकी कोई लुक नहीं बेकार, ऐसा था रोटी से यहाँ पे होती है रोटी रोटी वाली आगे को लगती है यहाँ पर भाई। क्या बात है, दोनों आपको लगता है दोनों सिल्वर है, मैचिंग मैचिंग करके चलते हैं क्या, ऑटो वाला भाई बीच में आ जाएगा। ओ भाई मरना है क्या, कितने है पागल है क्या, बीच में लहर तो चल रहा है आराम से। चलो भाई पहुंचे थे वाले भैया, चलो काम हो जाता भाई आज बच गया, ये बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होता है, ये तो अपनी धुन में चल रहा है आराम से, देख ही नहीं रोड पे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, जो बचा है नहीं है बस निकल ले भाई, हो गया तो काम आज तो गया। अरे यार तुम बैलेंस भी बनाते रह जाना, निकलना मत, वापस में जहाँ पे वापस में आपको बताइए भाई, वाला रूट घूमवा लेंगे आप, एक रूट पे जाम देखते हैं तो रूट ही चेंज कर देता हूँ, दूसरे रूट पे जाऊँगा वापस, यहाँ से नहीं जाना भाई, कौन फटेगा इतने जाम में, जो रास्ता होगा 10 मिनट का वो आधे घंटे का हो जाता है, बाइक वाला को जैसा आधे घंटे 20 मिनट का तो हो ही जाएगा। और मौसम ठीक है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश वारिश का सीन तो है नहीं फिलहाल, चलो कब होगी बारिश, जून में होगी जुलाई में होगी, अभी एज पर करंटली तो नहीं लग रहा,
कि भाई बारिश वारिश का सीन है कोई, चलाओ भाई स्कूटी वाले भैया आगे निकालो। उनका मूड नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हैं, लगता नहीं है उनका जाने का मन नहीं था, जबरदस्ती ले आया जा रहा है इनको, ऐसा लग रहा है मुझे। तुम ये चला रहे भाई, सब नहीं चला रहे, मत चलाओ तुम। जहाँ जगह नहीं है वहाँ से निकालेंगे, जहाँ जगह है वहाँ से नहीं निकालेंगे। अभी रन लेट हो गया, इस वाली तो ग्रीन थी, वैसे तो जाने के लोग निकल रहे थे ऐसे और निकलेंगे, वैसे मैंने चेक नहीं किया भाई। ग्रीन थी राइट सी एम जी का शोरूम चल रहा है यहाँ पे मॉल की गैरेज। पहले तो मैं हो जा भाई ग्रीन जल्दी। चलो भाई हो गई ग्रीन, रुकना नहीं पड़ा, गेट खुला हुआ भाई साहब का पूरा पूरा खुला हुआ भाई साहब, बंदा बैठ तो गया, गेट खुला हुआ है लेकिन कौन बैठा ये नहीं पता। गेट खुला हुआ है बेटा, देख नहीं पा रहा ना मैं, बोलो कहता भाई गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो, बाइक चला रहा हूँ, सॉरी बाइक चला रहा हूँ एक हाथ से छोड़ के, कैसे भूलिए ना कभी कभी। ये भाई साहब राइट लेंगे, ऐसे तो स्क्रीन हो रहा सामने आने की, राइट तो हो भाई। चलो बता ही दूंगा, गेट खुला हुआ भाई, गेट खुला हुआ है। चलो भाई ग्रीन भी हो गई भाई साहब, गुजर पूरा तो उनका गेट खुला हुआ था। चलो यार बढ़िया हो गया, मस्त हवा चल रही है, बाइक पर तो हवा लगती बढ़िया ही है। चलो जरा मैं भी पहुँचता हूँ, काम वाम करता हूँ, फिर वापस में बातचीत करेंगे। भाई जिस काम से आया था वहाँ से फ्री होकर वापस निकल गया हूँ, और अब घर पहुंचना है, घर पे रेस्ट वगैरह करना है, और अभी देखता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि भाई जिस रूट से आता है उस समय जाता नहीं रूट में, जिस टाइम उसको होता है बढ़िया वाला सॉलिड ट्रैफिक तो बहुत टाइम लग जाता है, तो उससे बेस्ट ये लगता है थोड़ा बहुत मिल जाता है यहाँ पे कभी कभी, बट ये नहीं है कि उसकी तरह बहुत ज़्यादा मिलता हूँ। लेकिन बहुत अगर कुछ साल पहले की बात करें, यहाँ से 4-5 साल पहले की बात करें, तो इस रूट वाई साहब इतना थोड़ा ट्रैफिक होता था, बहुत गंदे लेवल का ट्रैफिक होता था इधर, इस रोड पे आने का बिल्कुल मन नहीं करता था, इतना ट्रैफिक होता था। जब से फ्लाईओवर बना है ना, और वहाँ पे रोड थोड़ा हुआ है, अंडरपास में बना है, तब से बंदा आ जाता है यहाँ पे, तब से सुकून मिला ट्रैफिक से। मुझे बहुत लंबे लंबे जाम होते थे भाई साहब, बहुत तगड़े। इस रोड पे आना तो फंसना होता था पहले, अब लोग प्रेफर करते हैं सूट पे आने के लिए, चलो यार चलो खाली मिलेगा। देखा खाली है, ओहो कहाँ जा रहे हो सब, किया कार है 7 सीटर में पेट्रोल में, अगर आपको लेने बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है आजकल, किया कार है आजकल जो टैक्सी में भी लगाने लग गए हैं, गाड़ी बहुत प्यारी है, 7 सीटिंग है इसमें, पेट्रोल में आती है, CNG वगैरह में नहीं आती, डीजल में पेट्रोल में आती है, गाड़ी बहुत अच्छी लगती है वैसे। बीच में DLL दे देना, लुक आया था वैसे बढ़िया बढ़िया कार है वैसे। और भाई यार दिन तो अभी तक ठीक गया, अब तो इतनी हो ही गई है वैसे। चल भाई क्या हो गया, कांट हुआ गया है, क्या फ़ायदा हुआ लगाने से बता, गाड़ी तो फिर भी टूट गई, जैसे ख़राब होते वो अलग।
हवा सही चल रही है ना, ठंडा ठंडा फील होता है कभी कभी इवनिंग में। ओ भैया स्विमिंग पूल में आ रहा है, ऑलवेज पानी मिलेगा, हमेशा पानी मिलेगा, इधर नहीं मिले ना मिले इधर पानी जरूर मिलेगा। इंटर पास नहीं है ऐसा ऐसा था, पानी के ऊपर बना हुआ है ये, इसका पानी रहता ही रहता है। बारिश के टाइम में तो पूरा डूब जाता है इंटर पास। चलो यार सही है, ग्रीन है गेस्ट पास, जीप कंपास, जीप कंपास है भाई ये, नंबर नया, गाड़ी पुरानी लग रही है, नंबर चेंज कराया लगता है अभी, पेंट वेंट हुआ है, रोड पूरा प्रिपेयर कर दिया, बढ़िया सही कर दिया वैसे पेंट, लेकिन थोड़ा और बढ़िया करना चाहिए, पेंट बहुत पतला करा है यार, पेंट थोड़ा सा और मोटा होता बढ़िया लुक आता है। अच्छा लग रहा है वैसे रोड के ऊपर, बढ़िया लग रहा है। चलाने भाई साहब बिना नंबर प्लेट के नहीं चला सकते आप, लोग ऐसे नए नए स्कूटी बाइकों को गाड़ियों को निकाल लेते ना, वो चलान कट जाता उस चीज़ पे, बिना नंबर के आप रोड पे ऐसे चला नहीं सकते, जब तक नंबर नहीं आ रहा, नंबर प्लेट नहीं लग रही, आप घर में रखो अपने व्हीकल को, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन लोग लेके घूमते हैं नहीं नहीं ऐसे शौक होता है तो लोग निकाल लेते हैं, ये ऑटो वाले भाई साहब का मन नहीं है चलने का, ठीक है भाई मत चलो। या तुम आगे ही लगा लिया करो, बीच में लगा दो भाई, छोड़ दो पेंटिंग ना, ये पेंट होगा यहाँ पे तब आएगी बढ़िया लुकिंग। अभी तो बहुत टाइम है भाई, चलो भाई मैं पहुंचता हूँ घर, घर पहुंच के बातचीत करते हैं। भाई आ गया हूँ घर पर, और भाई भाई पार्क कर दी है, और अब रेस्ट करना है और ब्लॉग एडिट करना है, और आज था फ्राइडे, कल है सैटरडे, कल इवनिंग में मंदिर जाना है, कल एक सुंदरकांड का पाठ भी है तो वहाँ भी हो सकता है जाना होगा, तो इन्वाइटेड हूँ मैं, तो देखते हैं और क्या शेड्यूल रहेगा, कितने बजे जाऊँगा, कब आऊँगा कुछ पता नहीं अभी, तो फिलहाल तो कल का शेड्यूल देखेंगे सुबह का क्या रहेगा, और ब्लॉग वगैरह किस टाइम बनाने जाना है, कब काम से निकलना है, उस पर डिपेंड है सारी चीज़ें। तो चलो और करते हैं इस ब्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने जाना अपना, कल मिलते हैं, बाय।